तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं कि आपके सामने जो स्क्रीन के सामने शो हो रहा है वो एक है फ्लावर पॉट। हाँ दोस्तों, एक फ्लावर पॉट है जो हमने हैंडमेड अपने हाथों से बनाया हुआ है। अलग अलग क्रिएटिविटी इसमें डाली हुई है, अलग अलग उसमें डिज़ाइन डाली है, उसके बाद में ये क्रिएट हुआ। चलो देख लिया, देखिए इस तरह से हमने उसको बनाया। पहले हमको लेना है जो कान में मल निकालने वाली स्टिक्स। हाँ, आपको याद है जो कान में निकालने वाली स्टिक्स है उसको लेना है। उसके ऊपरी का वाला जो वाइट कलर का जो उस पर कापूस लगा होता है उसको अपने कैंची से कट करके लेना है, और हम जो आपको दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको उसको कट करना है। उसके ऊपर का भाग आपको कट करना है, और कट करके उसकी स्टिक दोनों साइड से वो कापूस निकाल के अलग रख देना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के सामने उसी तरह से आपको करते जाना है, जिससे आपका फ्लावर पॉट जल्दी से बन जाए हमारी तरह। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने हम स्लो दिखा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए और आपको सीखने के लिए बेहद पसंद आ जाए। तो हमने दोनों साइड का कापूस निकाल के खाली ओनली स्टिक रख दी है। इसी तरह से आपको आपको कम से कम 20-30 स्टिक लेने हैं, दोनों साइड से कट करने हैं, उसका कापूस अलग से रख देना है। यह प्रोसेस आपको 30-40 तक स्टिक के साथ करना है। उसके बाद में नया क्या प्रोसेस है हम आपको बताते जाएंगे, आपको में हम धीरे धीरे बताएंगे। दो स्टिक हो गया, उसका आपका जो कापूस है उसको भी आपको अलग से रख देना है साइड में। इससे हमें यह पता लगेगा कि हमारे कितने स्टिक हो चुके हैं और कितने बाकी है। हमें कम से कम 30 या 40 स्टिक ऐसे अलग अलग रख कर उसका कापूस और उसकी स्टिक अलग अलग रख देनी है। जिस तरह से आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है उसी तरह से आपको करते जाना है। इससे आपका फ्लावर पॉट अच्छे से क्रिएटिविटी बन जाएगा और आपको बेहद पसंद आएगा, आपके बच्चों को, आपके किड्स को और आपके पेरेंट्स को भी। तो आगे क्या करेंगे इसका प्रोसेस हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए बेस्ट किड्स ट्यूटोरियल लेके आएंगे जो आपको बेहद पसंद आएंगे। चलो देख लेते हैं कि अगला क्या है। इस तरह से हमने बहुत सारे स्टिक्स और जो कापूस है उसको अलग अलग रख के हमारी जो एक फ्लावर पॉट बनने की प्रोसेस है उसको हमने स्टार्ट किया है। इसी तरह से आपको भी कम से कम 30-40 स्टिक को काट के रख देना है। अभी हम आपको एक ऐसी एक स्टिक लेनी है जिसका कापूस निकालाना हो। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो हमने एक साइड का कापूस निकाला है और एक साइड का उसी तरह रख दिया है। उसी तरह से भी आपको करना है, और जो कापूस निकाला हुआ है उसको अपने हाथ पे लेना है और उसे उसी स्टिक के ऊपरी भाग पे आप देख सकते हो टॉप पे आपको लगाना है। आप ग्लू यूज़ कर सकते हो या आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है मटेरियल उससे आप उसको स्टिक कर सकते हो। लेकिन आप अगर ग्लू यूज़ करोगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा सक्षम रहता है, इससे आपकी जो आप उसको लगाने वाले हैं वो जल्दी से जल्द वहाँ पर चटक जाए। इस तरह से ग्लू लगाना है आपको, चारों ओर लगाना है, और चार ओर लगाने के बाद उसी ग्लू से फटाफट वो ठंडा होने से पहले आपको उसे अपने जो बाकी के जो अपने कट करके रखे हुए जो कापूस उसको लगा के छोड़ देना है। इसी तरह से कम 4 या 5 फ्लावर बनाने हैं इस स्टिक के ज़रिए। हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको स्टिक करना है और किस तरह से ये सारे चीज़ें होने वाली है। तो वीडियो पे बनी रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलो हमने अभी एक ले लिया है, आपको दिखाने वाले किस तरह से इस स्टिक से हम बनाने वाले फ्लावर्स। हाँ, हमको 4 फ्लावर चाहिए फ्लावर प्लॉट में रखने के लिए, तो हम 4 फ्लावर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। इस तरह से हम बना रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक एक को। इसी तरह से आपको भी अपने जो वाइट अपने कट किए हुए थे उसको एक एक करके आपके स्टिक को लगाना है। इससे आपका फ्लावर बन जाएगा, और उसके बाद में हम आगे का क्या क्या प्रोसेस है वो भी देख लेंगे। इसी तरह से आपको एक एक करके सारे सर्कुलर मोशन में आपको एक एक कापूस के जो कटे हुए भाग है उसको लगाना है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो आपको एक सर्कुलर तरह कैसे लगाने के बाद आपका एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा हैंडमेड। हाँ, आपने सही सुना, ये हैंडमेड प्रोसेस है क्योंकि हम इसको हैंडमेड से बना रहे हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे जिससे आप बाद में आप उसको आप सीखने के बाद फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो।
अभी हम स्लो बता रहे हैं इसके लिए क्योंकि आप सीखे, आप बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं है किस तरह से क्या क्या करना होता है। इसके वजह से हम इसको स्लो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सीखने में दिक्कत ना आए और आप अच्छी तरह से हमारा फ्लावर पॉट जो बनने वाला है उसको सीख जाए और अपने बच्चों को दिखाए। जिस तरह से हमने देखो आप किस तरह से हमने छोटा सा एक फ्लावर बनाया हुआ है और इसी फ्लावर का आप सर्कुलर मोशन की तरह आप देख सकते हो, एक सर्कुलर तरह का एक फ्लावर आपको दिख रहा है वाइट कलर का। तो इस तरह से अभी आपको बनाना है और इसी तरह से आप कम से कम 3 या 4 फ्लावर बना के आपके इसमें बना के रख दीजिए। हमने भी बना के रख दिए हैं, अभी आप भी बनाइए। हमने ऑलरेडी 3-4 बना के रख दिए थे, आप भी बना के रख दीजिए। और नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, उसके बाद में क्या क्या लगने वाला है हम आपको बताएंगे। इससे पहले वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। तो हमने ऑलरेडी 4 बना के रख दिए हैं, तो आपको भी इस तरह से 4 बना के रख देना है। तो जैसे जैसे ये बनाते जाएंगे आपको भी इसको बनाते जाना है। हमारे 4 फूल बन गए, फ्लावर बन चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या है हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको अभी 4 फ्लावर तो बन चुके हैं, अभी जो नेक्स्ट लगने वाला है वो क्या है हम आपको बताएंगे। एक आपको लेना है क्लोन जो मार्केट में मिल जाता है और उसी क्लोन का यूज़ करके आपको हमारे जो 4 फ्लावर बन गए थे उसके ऊपर लगाना है। उसके पहले हम लेंगे एक बॉटल का ढक्कन जो है, बिस्लरी बॉटल, कोई भी आप बॉटल ले सकते हो जो आपके घर में पड़ी हुई है, जो आप हमेशा कोई ना कोई आपके पास पड़ी होंगी, उस बॉटल के सर्कुलर में आपको लगाने हैं स्टिक्स। और ये जो स्टिक्स है आप देख सकते हो ये क्या है, आप जो मार्केट में कोई भी शरबत या कोई भी आप ड्रिंक करते हो तो आपको छोटा सा स्टिक मिलता है प्लास्टिक का, उसे आप स्ट्रॉ भी कहते हैं, स्ट्रॉ। तो उस स्ट्रॉ को आपको कट करना है, कम से कम 8 इंच तक आपको उसको कट करना है। और 8 इंच तक कट करके आपको उसी बॉटल पे लगाना है जिस बॉटल के ढक्कन को आपको लिया हुआ है, सर्कुलर मोशन में लगाना है। पहले से हमने इसको ग्लू लगा के रख दिया था और इसी तरह से वो आपको स्टिक करना है। 8 इंच का लेना है स्टिक और उसी को आपको सर्कुलर मोशन में आपके बॉटल के ढक्कन को लगाना है। और हमने सारी जगह पे लगा लिया है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि सर्कुलर मोशन के लगाने के बाद वो कैसे दिखता है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो हमने सर्कुलर मोशन में हमारे बॉटल के ढक्कन को स्ट्रॉ लगाया हुआ है। वो जो स्ट्रॉ मार्केट में अच्छे तरीके से आपको सस्ते दाम में या आपके पास भी पड़े होंगे, 5-6 स्ट्रॉ लगेंगे, उससे आपका काम बन जाएगा। ये रहा हमारा छोटा सा पॉट और इसमें हमने जो फ्लावर लगाए हैं उसमें अभी डाल के दोनों का अभी मिक्सचर करके हमें पूरा करना है हमारा फ्लावर पॉट। अभी आपको लेना है एक जो मार्केट में भी चलता है उसको कहते हैं क्ल्यू, क्ल्यू रहता है बच्चों का खेलने का, उसी क्ल्यू को आपको लगाना है हमारे पॉट के अंदर। ये क्ल्यू मार्केट में मिल जाता है 1-2 रुपये में, 5 रुपये में। तो आप इसको लगा के अपने फ्लावर पॉट के अंदर लगा के आपको छोड़ देना है, उसको सर्कुलर करके लगाना है जिससे आपको गोल लगे और हमारा फ्लावर पॉट भी अच्छा दिखे। इस तरह से आपको उसको आपके पॉट के अंदर उसको छोड़ देना है और उसके ऊपर आपको लगाने हैं फिर हमारे बने हुए फ्लावर। हाँ, और फ्लावर के ऊपर लगाने हैं आपको छोटे छोटे येलो कलर के सर्कुलर क्ल्यू, जिससे आपका फ्लावर थोड़ा सा एट्रैक्टिव क्रिएटिविटी दिख जाए। तो किस तरह से लगाना है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। चलो देखेंगे किस तरह से हमारे फ्लावर के ऊपर लगाने हैं छोटे छोटे येलो क्ल्यू। चलो देख लेते हैं कि किस तरह से उसको लगाना है। और हमने लिया अभी एक फूल और अभी हम लेंगे हमारा एक छोटा सा क्ल्यू जिसको हम लगाएंगे हमारे फ्लावर के ऊपर, जिससे हमारा फ्लावर बहुत ही अच्छा दिखेगा और क्रिएटिविटी दिख जाएगा। हम अभी लगाने वाले हैं, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो किस तरह से हमें इसको लगाना है। जैसे लगाने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करना है हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से हाथों से, और प्रेस करके उसे छोड़ देना है। इससे आपका फ्लावर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, क्रिएटिविटी
इसको कहते हैं दिखे क्रिएटिविटी। तो हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड की है जिससे आपको लगेगा हमारा फ्लावर एक सचमुच का रियल फ्लावर है। अभी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो कितना भी अच्छा दिख रहा है। पहले ओनली वाइट था तो अच्छा नहीं दिखता था, अभी वाइट है तो अच्छा दिख रहा है। अभी इसी तरह के सारे फ्लावर्स जो हमने बनाए थे हमें लगाने हैं वो पॉट के अंदर। अभी एक एक करके हम चारों फ्लावर जो हमने बनाए थे उसको लगाने हैं हमारे पॉट के अंदर। अभी पहला हम फ्लावर लगा रहे हैं और इसी को जो स्टिक हमने बनाई थी चार फ्लावर वाली उसको ऐड करना है हमारे पॉट के अंदर। इसी जैसे हम इसको ऐड करते जाएंगे आपको आपका फ्लावर पॉट बनता जाएगा। इसी तरह से आपको सारे फ्लावर पॉट के अंदर आपके जितने भी फ्लावर्स है इसे हम सन फ्लावर भी कह सकते हैं क्योंकि सन फ्लावर येलो तरह के होते हैं, उसके बीच में और साइड में वाइट रहता है। ये है हमारा सन फ्लावर पॉट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इस तरह से हमने चार जो हमने फ्लावर बनाए थे हम हो अभी लगाने वाले हमारे पॉट के अंदर, जो हमने हैंडमेड क्रिएटिविटी यूज़ करके थोड़ा सा दिमाग लगा के किड्स ट्यूटोरियल जैसा हमने इसको बनाया हुआ है और ये आपको बेहद ही पसंद आएगा और आप इस पे खुश हो जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमारे को दोस्तों ज़रूर बताना, कमेंट करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय।